नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। मॉर्निंग 7 बजे 10 क्वेश्चन 10 मिनट रोजाना लगाया करें और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की ओर से डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। दो व्यक्तियों को सम्मानित करने की बात आती है जिनमें एक है डॉक्टर राजेश व्यास, डॉक्टर राजेश व्यास, और दूसरा व्यक्ति है जयेंद्र जडेजा, जयेंद्र जडेजा। राजस्थान के इन दो व्यक्तियों को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 14 वर्षीय राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल प्रतियोगिता नई दिल्ली में 16 से 21 दिसंबर तक खेली गई। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम कौन से स्थान पर रही है। 16 से 21 दिसंबर 2023 दिल्ली के अंदर 14 वर्षीय राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। क्रमानुसार यह 67वीं प्रतियोगिता थी जिसमें राजस्थान जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है, राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है, या अगर रजत पदक जीता है, कौन सा पदक पूछे तो रजत पदक जीता है, यानी कि पहला स्वर्ण पदक, दूसरा रजत और तीसरा होता है कांस्य, तो यानी कि दूसरे स्थान पर रहे हैं और कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। नागौर जिले के जायल तहसील क्षेत्र के किस गांव में पूर्ण शराबबंदी है। पूर्ण शराबबंदी की अगर बात करें तो पहला जो था वो काचबली राजसमंद, और राजस्थान के अंदर नागौर जिले में जायल तहसील जिसमें एक गांव है माता सुख गांव, माता सुख गांव, और इस गांव के अंदर पूर्णतः शराबबंदी है, यानी कि शराब मुक्त गांव है और काफी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट, गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित खेल इंडिया वुमेन जूडो लीग वेस्ट जोन में साहूवाला यानी श्री गंगानगर की वंदना शर्मा ने कौन सा पदक जीता है। राजस्थान के गंगानगर जिले की वंदना शर्मा जो साहूवाला गांव से है और गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हुई थी खेल प्रतियोगिता इंडिया वुमेन जूडो लीग वेस्ट जोन, जिसके अंदर भाग लेकर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो वंदना शर्मा जो साहूवाला श्री गंगानगर। राजस्थान के किस स्टार्टअप कंपनी को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान की एक स्टार्टअप कंपनी जिस कंपनी का नाम आता है क्रैंकी, क्या नाम आता है, क्रैंकी। क्रैंकी एक स्टार्टअप कंपनी है जिसको राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, प्रदेश के किस गीतकार व फिल्मकार को नई दिल्ली में अशोका अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। राजस्थान का एक गीतकार जिसका नाम है अविनाश त्रिपाठी, अविनाश त्रिपाठी, और अविनाश त्रिपाठी जी को अगर पूछे किस सम्मान से सम्मानित किया गया है तो अशोका अवार्ड 2023। अशोका अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, अविनाश त्रिपाठी को दिया गया। नेक्स्ट आता है, बैडमिंटन एशिया सीनियर ओपन 2023 में जयपुर की हिमानी पूनिया ने कितने पदक जीते। हिमानी पूनिया राजस्थान के जयपुर जिले की है और बैडमिंटन खेल से संबंधित है और इसने 2 रजत पदक जीते। कितने, 2 रजत पदक जो है वो जीते थे। नेक्स्ट, उद्योग मंत्रालय की 5वीं रिपोर्ट के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में राजस्थान कौन सी श्रेणी में रहा है। राजस्थान के अंदर उद्योग मंत्रालय की 5वीं रिपोर्ट और 5वीं रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान जो है वो फास्ट मूवर्स श्रेणी में रहा है, फास्ट मूवर्स श्रेणी में रहा है। तो राजस्थान जो है वो उद्योगों की श्रेणी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस जिले में स्थित
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 70वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। यानी महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह है राजस्थान के उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए और सामाजिक मूल्यों के साथ सामाजिक बदलाव के लिए सभी सरकारी स्कूलों में कितने सदस्यों के चाइल्ड राइट क्लब खोले जाएंगे? तो 25 सदस्यों के चाइल्ड राइट क्लब जो है वो खोले जाने की घोषणा की गई है, बच्चों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और सामाजिक मूल्यों में सामाजिक बदलाव लाने के लिए सरकारी स्कूलों के अंदर। जिला दर्शन मानचित्र सहित 4 जिलों की संपूर्ण व्याख्या के साथ लाइव बैच जो है वो 15% की छूट, कूपन कोड रहेगा संकल्प 50। और राजस्थान के अंदर जो है वो जिला दर्शन बुकलेट आपको मार्केट में मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98-750-75-725। जो इस YouTube चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।